नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चाइना के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्या चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्यों चाइना के खिलाफ सरकार घुटने टेक रही है जब वो हमारे सीमा के अंदर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा करीब 18 किलोमीटर के आसपास घुस कर आया है। इतने दिन होने के बावजूद सरकार की वो प्रतिक्रिया नहीं है जो किसी संप्रभुता का निर्देशन देती हो, लेकिन देश कह रहा है, देश मांग कर रहा है कि चाइना का बार बार करीब पिछले कुछ सालों में भारत की सीमा में 1000 के आसपास बार उसने घुसपैठ की है और फिर भी हम बस कागदी तीर चला रहे हैं, वो भी शांति के कबूतरों के बलबूते। अभी भी 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीता है, लेकिन 9 तारीख को हमारे विदेश मंत्री चीन जाएंगे, तब शायद कुछ बातचीत होगी। तब तक चाइना इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं कि उसने कोई घुसपैठ की है। वो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताता है। देश के 4,500 किलोमीटर पे सीमा में अगर वो 2-4 किलोमीटर भी आगे आता है तो कई लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारा चीन के पास जाता है। जिस देश का राष्ट्रवादी, जिस देश का देशभक्त समाज 1 सेंटीमीटर भूमि किसी देश को नहीं देना चाहता, उसके लिए वो बलिदान देने के लिए करोड़ों की संख्या में तैयार है, वहां पर सरकार का यह रवैया निश्चित तौर पर देश को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में इस विषय पर क्या है देश का कहना, क्या कहता है हिंदुस्तान का आवाज, क्या है उनकी राय, यह समझने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं आज का बिंदास बोल कि क्या चाइना को सबक सिखाना जरूरी है। क्या है आपका कहना, आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी कॉल, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। शुरुआत से ही चीन की छवि एक पैंतरेबाज देश की रही है। वो हमेशा खुद को एक महान देश और विश्व महाशक्ति बनने का दिखावा करता रहता है, मगर चीन की विस्तारवादी हरकतें पूरे विश्व को उसकी असली मानसिकता को दिखाने के लिए काफी हैं। आज एक बार फिर चीनी सैनिकों ने हमारे देश की पवित्र भूमि पर अपने नापाक कदम रखे हैं। कई हफ्तों से चीनी फौज ने सीमांत के दौलत बेग उल्टी क्षेत्र में घुसकर अपने तंबू गाड़ रखे हैं। वो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है। चीनी सैनिक पिछले कई हफ्तों से भारतीय सीमा के क्षेत्र में हैं। हमारे हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बार बार घुसपैठ के बाद भी चीन नियंत्रण रेखा की दुहाई देता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब चीनी सैनिकों ने ऐसी गुस्ताखी की। इससे पहले भी चीनी सैनिक जून 1986 में सोमदोरोंगचू में ऐसा कर चुके थे। पिछले कई सालों में चीनी सैनिकों ने हजारों बार घुसपैठ की है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन ने अपने सभी पड़ोसी देशों से पंजा भिड़ा रखा है, फिर चाहे वो जापान हो या वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, मलेशिया या फिर रूस हो, सभी से चीन का सीमा विवाद है। सिर्फ भारत के दुश्मन देशों से चीन का सीमा विवाद नहीं है, जिसका इस्तेमाल वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए करता है। भारत में पकड़े गए आतंकियों के पास से चीनी हथियारों का मिलना इसका सबूत है। पिछले करीब 60 सालों से चुपचाप अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा चीन अब अपनी भारत विरोधी कुटिल चालों को खुलकर अंजाम देने लगा है। राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और अपनी विदेश नीति को आकार देने में भारत की ढुलमुल नीति को भांपकर चीन ने 1962 में सीधे हमला करके लेह लद्दाख की हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे हम आज तक छुड़ा नहीं सके हैं। इसके साथ ही चीन ने भारत के अभिन्न भाग अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार भी जता दिया। समंदर में चीन की सैनिक घुसपैठ निरंतर बढ़ती जा रही है। बर्मा, श्रीलंका और बांग्लादेश के चिटगांग समुद्री तटों पर चीन ने छोटे और बड़े बंदरगाह बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में एक बड़ी सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा चीन यदि इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक ठिकानों को मजबूत कर लेता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। पूरे तिब्बत और लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर सैनिक कार्रवाई से जबरदस्ती कब्जा करने वाला चीन कश्मीर के एक तिहाई भाग पर भी इसी तरह कब्जा करने वाले पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चीन का घिनौना और दो मुहा चेहरा इसी बात से पता चलता है कि चीन भारतीय कश्मीर को तो विवादित क्षेत्र मानता है, परंतु पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वो पाकिस्तान का इलाका मानता है। पाकिस्तान ने भारत के इसी POK से लगभग आधा भूखंड चीन के हवाले किया हुआ है, जिसमें लद्दाख के साथ लगता अक्साई चिन भी शामिल है। चीन ने इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, पन बिजली योजनाएं और बांध बना लिए हैं। वास्तव में ये सब कुछ
चीन के सैनिक ठिकानों का आधार बन रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान और चीन की संयुक्त भारत विरोधी सैन्य रणनीति अरुणाचल, तिब्बत, लद्दाख से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक वार करती हुई दिखाई देती है। इस संबंध में भारत द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों और विरोध पत्रों को चीन और पाकिस्तान दोनों ही रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे हैं, फिर भी हमारे हुक्मरान चुप हैं। वो बातचीत का हवाला दे रहे हैं, वो शांति की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि चीन अपनी कुटिल चाल में कामयाब हो जाए और आने वाली पीढ़ियां जब हमसे इसका जवाब मांगे तो हम उनसे नजरें चुराते हुए नजर आए। और आइए अब चीनी सामानों की बात कर लेते हैं। सस्ते में कई सारे फीचर देने वाली चाइनीज कंपनियों के उत्पाद बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। कहीं इनके मोबाइल से खतरनाक रेडिएशन निकलने की खबर आती है तो कहीं इनके मिलावटी खिलौनों से बच्चों में त्वचा के रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर्स का तो यहाँ तक मानना है कि चीनी मोबाइल से निकले रेडिएशन से इंसान बहरा या नपुंसक तक हो सकता है। कई जगह तो मानसिक संतुलन खोने की भी बातें सामने आई हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीनी सामान भारतीय बाजार को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही ये लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करते हैं। चीन हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, चीन हमारे अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करता है, चीन हमारे यहाँ पर दहशतवादी जो लोग हैं उनको समर्थन देता है, यहाँ के नक्सलवादियों को समर्थन देता है, चीन हमारे शत्रुओं के साथ दोस्ती करता है और चीन अब हमारे सीमा में भी घुसता है 1000 बार। ये सहनशीलता की पराकाष्ठा है। इस विषय पर आप कुछ करना होगा, नहीं तो चीन भारत को नपुंसक समझेगा और कभी भी हमला कर देगा। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का युद्ध का माहौल और मौसम था, युद्ध चल रहा था, उसी दौरान उसने ये कार्रवाई की थी। अब भी उन दोनों में यही स्थिति बन रही है, क्या ऐसे में फिर भारत के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है? अटैक का एक और सूत्र होता है, जब देश सबसे ज्यादा कमजोर होता है, देश की लीडरशिप सबसे ज्यादा कमजोर होती है, आपस में मतभेद होते हैं, तब उस देश पर हमला करिए, क्योंकि कमजोर को हराना बहुत आसान होता है। ऐसे में इस देश के ऊपर हमला करने का सबसे सही समय चाइना अब मान रहा है और इसीलिए शायद उसने अपने कदम, अपने टैंक और अपना मोर्चा भारत की तरफ खोल दिया है। क्या है आपका कहना, कॉल करके आप कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, बोलिए। ये सब मैं आज के विषय पर कहना चाहता हूँ कि हम अपने भारत के जो रहनुमा है उनसे ये उम्मीद लगाएं कि वो चीन को कड़े शब्दों में जवाब दे, ये हमारा सोचना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये नपुंसक है और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे को 1962 की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आज कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज इस कड़े कार्य से, अपने कड़ी कार्रवाई से चीन को बता देना चाहिए क्या हमारे को भारत के अंदर प्रवेश करने का क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हमें अपनी सेना के ऊपर किसी प्रकार भी शक का अक्षुभा नहीं है, हमारी सेना आज भी बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारे रहनुमा अपने सैनिकों को आदेश नहीं दे रहे हैं। वो तो बात कहने की ये हो गई कि उसका चंदन जिसने खिलाला वो भी जिसने पड़ोसी को भी बुलाता। मैं ये कहना चाहूंगा ये तो खुद जो देश को लूट रहे हैं लेकिन इस देश को भी लुटाना चाहते हैं, और यदि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आपको बता दिया जाता कि चीन भारत के साथ यह जंग लड़ना कितना आसान हो सकता है या कितना मुश्किल हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि नपुंसक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज हमारी सेना को आदेश देना चाहिए कि चीन को खदेड़ करके और वापस उसकी सीमा में भेज के उसके 10 किलोमीटर में घुस कर गए और हमारे टेंट लगा देने चाहिए। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है, हमें ना जाए अपनी सेना के ऊपर तो चीन को औंधे मुंह पटक करके और कई बार पटकनी दे सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे को कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन कड़े शब्दों में आपत्ति की। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। आप भी क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, आए रखते हैं, कॉल करिए। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? बोले क्या? हाँ हाँ हाँ, सुरेश, माननीय सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, भारत में शासन कर रही कांग्रेस ने भारत को भ्रष्टाचार से इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है कि उसका प्रभाव सैन्य तैयारियों पर भी पड़ रहा है। और आज भारत के पास आधुनिक हथियारों की भारी कमी है। ब्रह्म चलानी जो रक्षा विशेषज्ञ है उनके अनुसार
भारत पुराने हथियारों का कबाड़ खाना बन चुका है। रक्षा मंत्रालय ने 1,00,000 सैनिकों का स्ट्राइक कोर बनाने की योजना बनाई थी जो चीनी सेना के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज वह आर्थिक अवरोध के चलते, आर्थिक कमी के चलते उसको रोक दिया गया। आज हमारे पड़ोसियों में भूटान को छोड़कर पड़ोसियों से किसी भी देश से पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। इस सरकार की विदेश नीति भी फेल हो चुकी है। चाइना राजनीतिक रूप से श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंदरगाह बना चुका है। हमारे विदेश मंत्री, देखिए इनकी बचकानी बातें देखिए, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर हमें घुसपैठ और चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा में प्रथम किसी को चुनना है तो चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा या किसी भारत का किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का या ऐसा वाक्य हो सकता है। आज ठीक परिस्थिति 1962 में जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति आज खड़ी हो गई है। उस समय शीत युद्ध चल रहा था और क्यूबा ने अमेरिका के विरुद्ध जो है मिसाइलें तैयार कर रखी थी और आज भी वही स्थिति है। नॉर्थ कोरिया जो है धमकी दे रहा है युद्ध के लिए और यूरोप की हालत बहुत खस्ता है। अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकल रहा है, उसकी स्थिति नहीं है भारत को समर्थन कर सके और यह एक निराश दादागिरी है। लेकिन युद्ध जो है हौसले से लड़े जाते हैं, युद्ध जो है स्थितियों से नहीं लड़े जाते हैं। मैं इसके लिए कब्जा कहता हूँ कि सिंह का दहाड़ हो, भर जैसा प्रहार हो, झुके नहीं, टूटे नहीं, बैठो नहीं घरों में, अब प्रवाह रुके नहीं, क्षमा नहीं कठोर बन, शत्रु पर प्रहार कर, भ्रष्ट हो गया है तंत्र इसको तार तार कर, स्वतंत्रता का शर्त है पछाड़ शोषकों को तुम, सुख गया है सोत राष्ट्र भक्ति का अगर कहीं, इन देहद्रोहियों से मुक्त अब राष्ट्र कर, भौंकता है चीनगर सीमाओं पर मेरे, शास्त्र रख शस्त्र ले अब इस स्वान का शिकार कर, कदम उड़ गए लद्दाख पर मेरे, लड़ाई आर पार कर, बीजिंग पर प्रहार कर, परमाणु का वार कर। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। सर जी, जो हमारी आज हालात हो रही बॉर्डर पे, जिस तरीके से हमारी सरकार मतलब कमजोर साबित हो रही है, इससे हमारे क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा जब मैसेज जाएगा तो कल को बांग्लादेश भी घुस आएगा, कल को श्रीलंका भी घुसने की कोशिश करेगा, और भी मुल्क घुसना शुरू कर देंगे जब हम किसी को जवाब नहीं देंगे। इसके लिए हमारी सरकार क्या करने जा रही है? कुछ भी नहीं करने जा रही है। हमारे घर में वो बैठा हुआ है 10 दिन से, आज 19 किलोमीटर अंदर बैठा हुआ है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक हम कमजोर देश हैं? बिल्कुल धन्यवाद। अपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश तो वैसे भी घुस चुका है, 5 करोड़ के आसपास उसके नागरिक हमारे देश में वैसे ही घुस चुके हैं और यहाँ आने के बाद वो हथियार उठा रहे, लेकिन वोट के लालची हमारे यहाँ के कई राजनीतिक दल उनको दामाद बनाकर अपने घर में घुसाए रहे। और बांग्लादेश ने हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों का कुछ साल पहले कैसा क्या हाल किया था ये भी हम जानते हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। न जाने इस देश की सरकारों को क्या हो गया है कि वो ऐसे देशों के खिलाफ भी अपने हथियार डालती है जिनके सामने भारत नाम लेने से ही कभी वो कांपते थे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। सीपी वशिष्ठ राजस्थान। हाँ, आज के मुद्दे पर मेरा कहना है कि भारतवासी कमजोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता बागडोर कमजोर हाथों में है। चीन ने जापान जैसे राष्ट्र के साथ ऐसी ही हिमाकत की, परंतु जापान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यहाँ सलमान खुर्शीद बयान देते हैं कि मई के अंत तक मैं चीन जाऊंगा। मेरे दृष्टिकोण में यदि मराठवाड़ा में कहीं भी पानी थोड़ा बहुत बचा हो तो उनको वहां जल समाधि ले लेनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे